अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट पंजाब पुलिस का जो नया सिलेबस आया है इसमें एक लॉजिक का पोर्शन दिया हुआ है, तो इस लॉजिक के पोर्शन को लेके परेशान है और कंफ्यूज हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैं स्टूडेंट को यहाँ फिजिकल क्लास में जो लेक्चर हो रहा है ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ये लॉजिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हल करना है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ। आप नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन इनेबल कर लें। बाकी भी जो दिन रहते रिक्रूटमेंट के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन होगी और जो वीडियोस होंगी मैं पोस्ट करूंगा इस पर, तो आगे चलने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बाकी ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसकी, जिसमें आप इंशाल्लाह मुकम्मल आपका कंसेप्ट ये लॉजिक वाले क्वेश्चन के मुतालिक क्लियर किया जाएगा। अच्छा, आज हमने जो करना है, जो नया इसका पोर्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है लॉजिक का, ये लॉजिकल रीजनिंग के आमतौर पे एनटीएस वगैरह के पेपर में पहले क्वेश्चंस आते रहते हैं इस तरह के, लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये उसी सिलसिले के ही ये क्वेश्चंस इस तरह के हो सकते हैं, मुतवक्का क्वेश्चन, उनको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या हैं, लॉजिक या आईक्यू या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं। इन सवालों में ये होता है कि आपने उस सवाल को देखते हुए उसी जो क्वेश्चन की लॉजिक को आपने पिक करना होता है कि इस क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है। इन क्वेश्चंस में इंग्लिश का, मैथ का कोई रूल नहीं होता और ना ही इन क्वेश्चन का कोई सब्जेक्ट होता है कि कौन से सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आएंगे। ये इंग्लिश के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन पूछा क्या जाता है उनका कि किस मतलब कोई रूल नहीं होता इसमें कि मैथ के रूल के मुताबिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सीरीज़ दी है, आप ये नहीं कह सकते कि मैथ के रूल के मुताबिक इसको वायलेट करती है, आपने उसी उसी टाइम पे जो हो रहा होता है उसी के मुताबिक उसको करना है हल, उस सिचुएशन को देखना है कि पीछे सवाल में क्या पूछा गया है और इससे आगे क्या बनता है इसका आगे रिज़ल्ट। कई दफ़ा ये पूछा जाता है कि जो चीज़ें हैं इनमें से मुख्तलिफ चीज़ कौन सी है, वो मुख्तलिफ चीज़ भी आपने ऐसे निकालनी होती है कि आपने देखना है कि बाकी सारी चीज़ों में सिमिलरिटी है, एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे आज मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, क्या था, सी, हेयर, टेस्ट, टच, स्मेल, ये सारी क्या हैं, सेंसेस हैं, लेकिन जो हेयर है वो उसके स्पेलिंग मैंने चेंज लिखे हुए थे, ऐसा ही है ना, एच ई आई आर हेयर लिखा हुआ था, है ना, एच ई आर हेयर नहीं लिखा था, तो सेंस क्या है, हेयर। ये भी लॉजिक गलत हो गया ना, ये टच तो सेंस है, पांच सेंसेस होती है ना, पांच हिस्से होती है ना इंसान की, छूना, सुनना, सूंघना और चखना और देखना, तो सेंसेस पांचों थी लेकिन एक सेंस के क्या थे, स्पेलिंग चेंज किए हुए थे। हेयर भी, सुनना भी तो सेंस होती है ना, लेकिन एच ई आई आर हेयर नहीं होता वो, है ना, वो तो बाल होते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे टच हेयर सही लिखा होगा, स्मेल की जगह पे स्माइल लिखा होता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका गलत हुआ मोस्टली, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुए थे। अब डिस्कस हुए हैं ना, तो अब आप सवालों को इस एंगल से देखेंगे जिस एंगल से मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। अब उम्मीद है कोई नहीं, अगर थोड़ा सा जिसका आईक्यू अच्छा है वो कभी भी इन सवालों को गलत नहीं होने देता, तो इंशाल्लाह आपके ठीक हो जाएंगे उसमें ये क्वेश्चंस। बाकी अभी हम एग्जांपल शुरू करते हैं, आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन है, मैन इज टू वुमेन एज बॉय इज टू, क्या आना है, गर्ल, जेंडर का फर्क है। इधर अगर मैन से वुमेन लिखा हुआ है तो इधर बॉय से गर्ल, उसी हिसाब से आ गया। मैंने बताया था दो हिस्से होते हैं, एक में आपने लॉजिक को देखना होता है कौन सी इस्तेमाल हो रही होती है, दूसरे हिस्से में इस आपके जो लॉजिक आपने पीछे से देखी है उसी पैटर्न को या उसी लॉजिक को आगे अप्लाई करना होता है। और इसका हर क्वेश्चन का क्या होता है, अपना पैटर्न होता है, कोई मैथ का पैटर्न नहीं होता। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको वो कराता हूँ। एक और क्वेश्चन है, जैसे 4 3 1 लिखा हुआ है, 8 4 4 लिखा हुआ है और 9 2, इससे आगे बताएं क्या आएगा,
अच्छा, अगर आप इसको गौर से देखें कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है, 4-3 के बाद 1 आ रहा है, 8-4 के बाद 4 आ रहा है, मतलब 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आता है ना। अब हालांकि कोई मैथ का रूल नहीं है ये, लेकिन आपने क्या है इधर से ही देख के इसको क्या करना है, इसको प्रेडिक्ट करना है कि इसका ये जवाब आ सकता है। अब 4 और 3 अगर देखा जाए, वैसे मैथ में अगर अलजबरा में डॉट भी हो तो भी ज़रब हो सकता है, इसको माइनस तो नहीं हो सकता है ना। अगर हम ऐसे लगाएं भी कि अगर एक्स वाली दो वैल्यूज एक्स और वाई इकट्ठी हों तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, लेकिन इनका तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन क्योंकि वो इसमें ऐसे कर रहा है, इसमें भी ऐसे कर रहा है, इसमें भी ऐसे कर रहा है, तो अगला पैटर्न इसी के हिसाब से होगा। समझ आ गई? नेक्स्ट है इसी तरह कोई और भी पैटर्न, अब इसी से मिलता जुलता देखें, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, 8 2 4 6 3 2 और 9 3। गुड, 3। अब आपको समझ आ गई, इस पैटर्न में क्या है, डिवाइड कर रहा है एक नंबर को दूसरे पे, डिवाइड करके अगला आंसर उसमें आगे लिख रहा है, ऐसे ही है ना। तो अगले में क्या आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें फ्रूट्स लिखे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर और एप्रिकॉट। उसने कहा कि इनमें से चेंज कौन सा है। ये चेंज वाले क्वेश्चन का सुन लें, ये भी अहम पार्ट होता है। चेंज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये देखना होता है कि इनमें से सब में से चेंज कौन सा है। वैसे देखने में तो सारे चेंज लगते हैं, अब जो चेंज देखना है ये किस बेस पे देखना है, ये असल बात होती है। आमतौर पर ये सीधा सा सवाल भी ये गलत हो जाता है। जैसे इसी से मिलता जुलता मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग बताएं कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, लंदन और फ्रांस, इसमें चेंज कौन सा है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान इसमें है क्योंकि वो तो हमारा मुल्क है, वो चेंज है, या पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है वो चेंज है, या आप कहेंगे एक इसमें एशिया में है या एक अमेरिका में है ये चेंज, वो देखने को तो सारे चेंज हैं, लेकिन आपने ऐसी सिमिलरिटी ढूंढनी है। आप कहेंगे ये 5 बाकी 5 तो बिल्कुल एक जैसे हैं, ये एक इन सब से मुख्तलिफ है। मतलब दो चीज़ें देखनी होती हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आ जाए ना, इसमें आता है आमतौर पे डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, लिखा होता है कि इनमें से ऑड कौन सा है, ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, या इसी तरह का, इस तरह का कोई वर्ड इसमें आता है कि इनमें से चेंज कौन सा है। ऑड का वर्ड भी आ जाता है, डिफरेंट का वर्ड भी आ सकता है, लीस्ट फ्रॉम द रेस्ट भी आ जाता है। तो आपने उसमें से क्या करना है, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि इसमें से चेंज कौन सा है। दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो कि इसमें से चेंज कौन सा है, दूसरा कि बाकी सारों में सिमिलरिटी है कि नहीं। जैसे मैंने अभी बताया, आपने गौर नहीं किया, यही तो लॉजिक है जो उन्होंने ये हिस्सा शामिल किया। मैंने बाकी सारे कंट्री बताए, एक लंदन सिटी बताया, आप कहेंगे बाकी सारे सिटी कंट्रीज़ हैं, लंदन जो है ये सिटी है, बाकी सारे कंट्रीज़ हैं वो, वरना किसी न किसी लिहाज से आप कहें, वैसे तो सारे चेंज हैं, चाइना चेंज है, पाकिस्तान चेंज है, अमेरिका चेंज है, और मैंने फ्रांस का नाम लिया था वो चेंज है, वो देखने में तो सारे चेंज हैं, लेकिन सारे सेम नहीं हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सारे कंट्रीज़ हैं फिर तो सारे सेम हो जाते हैं ना, कंट्री एक सिमिलरिटी है उन सब में, एक सिटी है अलग से। समझ आई है इसमें? इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आ जाए कि कैट, गॉट, लाइन और लेपर्ड, इस तरह के आ जाए तो क्या चेंज है। आपको कैट छोटी होती है इनमें सबसे, वो है लेपर्ड जीते, गॉट, वो स्टूडेंट कह रहा है गॉट, ये ठीक है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसमें ये भी कोई कह सकता है कि जो बकरी पालतू जानवर है, फिर तो बिल्ली भी पालतू जानवर है, बिल्ली दूध देती है। हाँ हाँ, गुड। ये कौन बता रहा है? हाँ, राजकुमार। हाँ, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है तो इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएगा, इनका अलग से कोटा होता है, स्पेशल ब्रांच के पहले इंटरव्यू में रह गया था, भावलपुर से। अच्छा, तो वो सही बता रहा है वो, अगर
ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछ ले बाकी सारे वाइल्ड एनिमल हो, एक पेट एनिमल हो, ठीक है, वो पूछ ले डो, इसका पहले बता दूं, इसका आएगा गॉट ही आएगा, क्योंकि गॉट क्या है, ये हर्बी वर्ब्स है, जानवर किस्म है ना, हर्बी वर्ब, सब्जी खोर, बाकी सारे क्या हैं, कार्निवर्स हैं, है ना। और ऐसे भी जानवरों के नाम पूछ सकता है जिसमें बाकी सारे क्या हों, जैसे है डॉग है, लाइन है, लेपर्ड है, और इनमें से बताएं कौन सा चेंज है, क्यों, डॉग पेट एनिमल है, बाकी सारे वाइल्ड एनिमल हैं, वो जंगली जानवर हैं, ये पालतू जानवर है डॉग, तो इस तरह की सिमिलरिटी भी हो सकती है, समझ आ गई इसकी। अब इसको देख लें, अब देखने में कोई कहे ये हरा होता है, फिर ये खुमानी भी हरी होती है, पियर खुमानी को कहते हैं, एप्रिकॉट कहते हैं, ये भी तकरीबन हरी भी होती है, पीली भी होती है, खुमानी है ना, और ये नाशपाती को कहते हैं पियर, ये भी हरी होती है, वैसे तो ऑरेंज तो सबसे अलग होता है ना, ऑरेंज तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑरेंज को कह सकते हैं अलग इनमें से, हैं, ऑरेंज अलग तो है, लेकिन फिर सारे सेम कैसे हैं बाकी, फिर तो बाकी भी अलग अलग हैं। एक चीज़ इसमें डिफरेंट आपको देखनी होती है, क्या डिफरेंट है इसमें से, सर स्ट्रॉबेरी, कैसे सर, उसकी शेप थोड़ी सी छोटी होती है, खुमानी स्ट्रॉबेरी से भी छोटी होती है, गुड, सीड की बात है कि इन सब के बीज जो है अंदर होते हैं, स्ट्रॉबेरी के बीज बाहर होते हैं, ऐसा है ना, समझ आई है इस बात की। अभी आपको अगर कोई थोड़ा सा हो रही है ना कंफ्यूजन, तो ये जो अलग अलग मेथड आ रहे हैं, कोई 8-10 मेथड हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे ना, फिर आप जो भी सवाल आएगा आप देखोगे कि ये वो वाला तो नहीं है, उसमें तो नहीं है, तो आप उन सब पे चेक करके इसको ठीक कर लोगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इरेलेवेंट है, थोड़ा सा उसको छोड़ दें, नेक्स्ट सीरीज़ वाले देख लेते हैं, कुछ सीरीज़ वाले आज मैंने आपको पेपर में भी दिए थे, 25, 24, 22, 19, 15, 25, 24, 19 और 15, जब इस तरह का सीरीज़ का सवाल आ जाए ना, ये माइंड में रख लें कि आपने इसको हल कैसे करना शुरू करना है, इधर ज़रा ध्यान दें, सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन हैं, अगर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ जाएँ तो उसको आपने कैसे हल करना है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि उनके दरमियान में जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को नोट करना शुरू करना है, बातें ना करें, डिफरेंस को नोट करना शुरू करना है, एक का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस में से, ये इधर से पता चल गया इसका पैटर्न, इसकी लॉजिक पता चल गई, अगले में 4 का डिफरेंस है, उससे अगले में कितना आना है, 5 का डिफरेंस, 10 आ जाएगा, यहां पे क्या आना है, 10। तो एक तो सबसे पहले इनका आपने ना समझ आ रही हो ना सीरीज की क्या हो रहा है, उनके दरमियान वाला फर्क देखने लग जाओ, वो फर्क देखने से आपसे आ जाएगा, अगर इससे भी ना आ रहा हो तो फिर क्या है, एक एक छोड़ के अगले का देखने लग जाओ, या तो वो सिंगल सीरीज होती है या डबल सीरीज होती है, ठीक है, या तो वो होता है कि जैसे ये तो इसके बाद फर्क है, इसका इसके बाद फर्क है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसके बाद इसको देखना होगा, इसके बाद इसको देखना होगा, आज मैंने पेपर में एक क्वेश्चन दिया था इस तरह का, वो दिखाओ, आज पेपर में एक इस तरह का क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर था 5, वो क्वेश्चन लिखवाएं, क्या सीरीज थी, 8, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 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
लेकिन ये क्या है, ये दो सीरीज है। आमतौर पर ऐसे भी होता है दो सीरीज इकट्ठी शुरू होती हैं। दो सीरीज क्या मतलब, एक छोड़ के 8, 7, 6, यहाँ पे 5 आना था ना आगे, अगर इससे आगे एक और भी उसने पूछा होता तो 6, 5, 4, 3 यहाँ पे 5 आ जाना था, यहाँ पे 3 आना था अगर वो दो भी पूछ लेते। ठीक है, समझ आई है? ये ज़रा हार सा बन गया, मैं इसको ऊपर उसके करता हूँ। एक सीरीज ये वाली है, अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। छः था यहाँ, यहाँ कितना था? पाँच, पाँच, पाँच,
और यहाँ पे तीन आना था। तो इस तरह ये दो सीरीज हैं, देखें अब थोड़ा मैं चेंज कर दिया इनका कलर, समझ आ गई है, या वो इस पैटर्न के होते हैं। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये वर्ड लिखे हैं, आगे उन्होंने पूछा हुआ है कि कोई एक वर्ड बताएं जो इनमें से इन सब को रिप्लेस करे और न्यू वर्ड बना दे, सबसे इनको रिप्लेस करके न्यू वर्ड बना दे। तो वो वर्ड कौन सा है? आर। इसमें लिखेंगे आर तो ये अलग बन जाएगा, इसमें आर लिखेंगे ये अलग बन जाएगा, इसमें आर लिखेंगे तो हर्ट बन जाएगा, इसमें लिखेंगे तो बस्ट बन जाएगा। तो आर ऐसा लेटर था, ये थोड़ा एक और चेंज टाइप का क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये मैंने ABC लिख दी है सिर्फ समझाने के लिए कि और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। एक में मैंने सीधी इसकी लिख दी है कि पता चले कौन सा डिजिट कौन से नंबर पे है, दूसरे में मैंने ये लिख दिया उल्टा लिख दिया है। अब एक सिंपल सा कोडिंग मेथड है कि अगर किसी को कोई मेथड मैसेज भेजना हो किसी के बारे में भी, फॉर एग्जांपल दो वर्ड हमने लिखने हो, कम और टुडे, इस तरह का कोई लिखना हो या सिर्फ टुडे ही कर लेते हैं, कोई भेजना हो कि आज आना है को, तो उसको कैसे डिकोड करके भेजना है, मुख्तलिफ मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, हर बंदा अपना भी कर सकता है। तो ये आर्मी में आपको पता है कि IQ का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है, तो बेस इसकी वही है कि क्योंकि इस तरह के कोडिंग मैसेज भेजने पड़ते हैं, कोई ऐसा एरिया होता है जिसमें और कोई ज़रिया नहीं होता, तो किसी बंदे के हाथ ही भेजना पड़ता है ना, मोबाइल ना फ़ोन और कोई भी चीज़, तो ये भी ख़तरा होता है रास्ते में कोई देख ना सके पढ़ ना सके, या हमारे बंदे को कोई पकड़ ही ले, तो पकड़ ले तो हमारा जो राज है ये किसी के सामने ना खुल सके। तो इस तरह का ये TODAY, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं उल्टे हिस्से में लिखना शुरू कर दूं, Y है 2, A है 26, D क्या है 23, O 15, O 12 और T क्या है 7। तो मैं ये वाला डिजिट लिख के भेज दूं ऐसे ही, ठीक है 7, 12, 2, 3, 2, 6 और 2। ये तो एक आम सी बात है, वो तो समझने वाला किसी के पास लेके जाएगा, वो उल्टी सीधी ABC लगा के इसको पर देख भी लेगा कि इसका ये मतलब है। मैं और भी कुछ कर सकता हूँ कि पहले डिजिट का मैं सीधी में लिखा करूँ, दूसरे का उल्टी में लिखा करूँ, ठीक है, या इसके अंदर मिक्स करके हर डिजिट के साथ मिक्स करके एक 246, 456 का नंबर भी लिख दूँ, ताकि उसको पता चले कि सबसे पहले मैंने 246, 456 को सारों को ख़त्म करना है, उसके बाद जो बचेंगे उनको इससे मैच करना है, वो फिर ये टेक्निक होती है कोडिंग। तो इधर हमने इधर भी देखें यही वाला मेथड है जिसमें हमने अप्लाई करना है। तो मैंने ये लिख दिया, आगे कोई और क्वेश्चन आएंगे तो इसी से रिलेटेड हम देख लेंगे इसको। किसका? ये वाला। इसका जवाब आता है FIRE, फायर, इसका फायर आता है जवाब, क्योंकि इसमें हर डिजिट उससे एक छोड़ के पिछला डिजिट दिया हुआ। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। एक दिया हुआ है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जानवर के नाम लिखे हुए हैं, काओ हैं चेंज है, मुर्गी अंडे देती है, और कोई तो नहीं अंडे देता, डक भी देती है अंडे, ये है नहीं चेंज, काओ पालतू जानवर है, बाकी भी पालतू जानवर है, कौन सा आएगा? कुछ कह रहे हैं मेयर चेंज है, मेयर का मतलब नहीं पता तो यही चेंज है, घोड़ी को कहते हैं तो वो भी चेंज नहीं है, इसमें चेंज है बुल, बाकी सारे क्या हैं? फेमिनिन है, ये क्या है? ये मेल है, उसमें से समझ आई है, बाकी सारे क्या हैं? मादा हैं और ये एक नर है, इसलिए यही चेंज है, बाकी सब में फिर सिमिलरिटी हो जाती है, समझ आई है इसकी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, तो
पेपर में देखेंगे फिर क्या होता है। अच्छा, ये जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये थे वर्बल क्वेश्चन। हाँ, अब कुछ नॉन वर्बल भी कर लेते हैं जिसमें शेप्स या इमेजेस वगैरह भी हैं। कोई और भी इस तरह के आएंगे वो भी आगे हम कर लेंगे इंशाल्लाह, या एबीसी वाला ही पहले एक कर लें। अच्छा, एक और कर लेते हैं इसी तरह का, ए बी, नेक्स्ट है डी ई एफ, उससे अगला है नोट्स ना देखें, इधर देखें, नोट्स बंद कर दो एक दफ़ा, किसी बंदे के पास ना नोट्स हो, क्योंकि अगर आप नोट्स करके पे सवाल कर लेंगे एक दफ़ा, आईक्यू का सवाल है ना ये, समझ लें पहेली होती है, जो पहेली एक दफ़ा सुनी हुई हो ना उसको हल करने में जहन नहीं इन्वॉल्व होता कभी भी, तो एक दफ़ा अपने जहन से सारे सवालों को हल करोगे उसके बाद आपके आईक्यू का बेहतर होगा। अगर मैं ही सबका करा दूं या सब नोट से देख के एक दफ़ा कर लोगे, पेपर में तो चेंज आएगा, पैटर्न तो नहीं समझ सकोगे, तो कभी भी इसका जवाब ना देखें इन सवालों का, कि मैं एक दफ़ा जवाब देख लूँ बाद में मैं इसको हल कर लूँगा, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। एक पहेली है वो, तो उस पहेली तो एक वर्ड होता है ना, एक हिंट पता चल जाए फिर पहेली का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। इसका थोड़ा सा हिंट पता चल गया, कोई बता दे तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, आपका जहन इन्वॉल्व ही नहीं होगा इसमें, तो आप जज ही नहीं कर सकेंगे। नोट्स वोट्स बिल्कुल ना खोलें, इसी पे ध्यान दें, नोट्स बाद में प्रैक्टिस के लिए करें, जो अनसॉल्व्ड है उधर से प्रैक्टिस करें। ए बी सी के बाद डी ई एफ, एच आई जे के, एम एन ओ पी क्यू, नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ, गुड। इसमें क्या है देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो हर अगले में क्या है, एक अल्फाबेट का इजाफा कर रहा है और एक छोड़ के अगला कर रहा है। ए बी के साथ सी होता ना, ए बी के बाद एक डिजिट सी छोड़ा है और अगले, फिर ये दो हैं, अगले तीन उसने दिए हैं, फिर एफ के बाद जी छोड़ा है और फिर अगले चार कर दिए हैं, के बाद एल छोड़ा है, फिर अगले पांच कर दिए हैं, अब इसके बाद क्यू के बाद आर छोड़ना है और अगले छः करने हैं। कौन कौन से? एस पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक दो तीन चार पाँच एक्स तक समझ आ गई इसकी। तो ये भी इस तरह का पीछे मतलब पैटर्न आपने देखा उसी का आगे उसको फॉलो किया। अच्छा, कुछ जो नॉन वर्बल हैं वो भी उसमें कर लेते हैं, जो शेप्स वगैरह वाले होते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन है कि इसके अंदर लिखा हुआ है तीन, इसके अंदर चार लिखा हुआ है और इसका क्या आएगा? छः आएगा। इसका क्या आएगा? जीरो। इसमें देखिए एंगल्स बताए हुए हैं, तीन एंगल हैं, चार एंगल हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हैं, हेप्टागोन है इसको, हेप्टागोन कहते हैं, छः वाली को हेक्सागोन कहते हैं, पाँच वाली को पेंटागोन कहते हैं, और आठ वाली को ऑक्टागोन कहते हैं। इसमें ज़ीरो आएगा। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। क्यूट इज टू क्या आएगा? एक्सक्यूट, यही लिखा हुआ है ना, ई एक्स शुरू में लगाया तो इसके भी आखिर में ई एक्स आ जाएगा। समझ आ गई है इसकी। वर्बल क्वेश्चन देख लेते हैं, आज मैंने ये टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, देखें जरा इसको। ट्रायंगल तीन बनी हुई थी, अच्छा इसमें लिखा हुआ था फोर टेन और एटीन, इसमें था, इसके अंदर लिखा था टू थ्री, नेक्स्ट है सेवन टू थ्री नाइन और नाइन थ्री, नेक्स्ट था ट्वेंटी टू फोर्टी ट्वेल्व, और ये लिखा था इसके अंदर क्या आएगा?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी टेस्ट में किया होगा, ये क्या आंसर आया था आपका? अच्छा नहीं आई थी, चलो देख लेते हैं। इसका ये है कि आपने जब नहीं समझ आई तो क्या करना होता है, पहले तो ये देखना होता है कि आम स्टूडेंट ने देखा होगा कि शायद ये 23 है, ये 23 है, कोई इसका इसके साथ रिलेशन और इसका इसके साथ रिलेशन होगा, है ना, वो अच्छी बात है, देखना होता है। सम टाइम इन चारों को जमा करके देखा होगा क्या आता है, फिर इन चारों को जमा करके देखा होगा क्या आता है, फिर इन चारों को, लेकिन ये आपको पता चल गया है कि बनना अंदर वाला डिजिट है। इससे क्या पता चला कि बाकियों को जमा करके ये वाला डिजिट अहम है जी। तो एक तो ये आपको पहले ये आपके माइंड में आ गया कि बाकियों पे कोई ऑपरेशन करना है, अंदर वाला डिजिट निकलेगा, जवाब अंदर वाला निकलेगा, पहला तो आपने ये देख लेना था। फिर इनको ज़रब करके देख लेना था, इन दो को जमा करके इसको माइनस, ये तो सवाल और तरह है, ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता था इन दो को जमा करके इसको माइनस करें, इन दो को जमा करके इसको माइनस करें, इन दो को ज़रब करके इसको जमा करें, इन दो को ज़रब करके इसको तकसीम करें, इस तरह का कोई भी हल आ सकता था, वो आपने खुद करना है, लाजमी नहीं यही सवाल पेपर में आएगा। ये सवाल देने का मकसद ये था कि इस तरह का कोई भी मिलता जुलता आ जाए तो वो सारे पैटर्न आपने अप्लाई करके देख लेने हैं, ठीक है, वो एक में आएगा दूसरे आपको खुद ही। इसमें यह था कि बाहर वालों को जमा करना था, 4 जमा 18 जमा 10, 4 और 10 14 और 18 32, 32 बनता था, इसको रिवर्स करके लिखा हुआ है 2 3 2 3, इनको जब जमा करें 7 और 9 16 और 20 39 आता था, 39 को जब हम रिवर्स करें तो 9 3, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें 22 और 40 62 और 12 74 आना था, इसको रिवर्स करके जब लिखना था 47 आना था इसके अंदर, इस तरह इसको क्वेश्चन को हल करना था। लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपने लास्ट में करने हैं, क्योंकि आमतौर पे सवाल पे इस पे बंदा जब फंस जाता है तो काफ़ी टाइम इस पे लग जाता है, तो आपने उस टाइम को भी मैनेज करना है साथ उसके। माउंटेन इज टू हाई एज ट्रेन इज टू, नीचे ऑप्शन है लेंथ स्पीड स्मॉल टॉल। माउंटेन क्या होते हैं, टॉल मतलब हाइट होती है, माउंटेन की हाइट होती है, ठीक है, और ट्रेन की लेंथ होती है, ऐसा ही है ना। अगर कोई आता कि फलां चीज माउंटेन इज टू बिग एज ट्री इज टू स्मॉल आ जाता फिर, क्यों उसके कंपैरेटिव स्मॉल है ना, तो इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाता, उसको ऐसे हल करना था। तो इसने क्या कहा कि माउंटेन हाइट उनकी हाइट में होते हैं और ट्रेन क्या है, लेंथ में होती है, तो इससे रिलेटेड इसका ये आंसर बनना था। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको हल करें, कर लेंगे हल, ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग हल करें, ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो को एक मिनट। अच्छा ये स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी, आप ये स्टेटमेंट ज़रा देख लें, ये 13 है ये 19 है, अब आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करें। हाँ जी क्या है, 47। अच्छा देखिए सिंपल सा था इसका रूल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये जमा किया, जैसे पिछली ट्रायंगल में मैंने बताया था ना, तो आपने एक दो इसमें मल्टीप्लाई करके देखे हैं तो आंसर आ गया है। इस तरह थोड़ा सा अगर आप जहन का इस्तेमाल करेंगे तो आईक्यू का कोई भी क्वेश्चन आपका लॉजिक का गलत नहीं इसमें हो सकेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे एक एरिया बताया हुआ हो आपको, ठीक है, इसके अंदर एक और बताया हुआ हो, वो कहे कि इसका टोटल एरिया इसका क्या है, 196 स्क्वायर किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं 324, ठीक है, और इसको कर लेते हैं 3। अब देखें
टोटल एरिया है इसका 324, इस तरह करें, ये एक बना हुआ है, इसका टोटल एरिया है 324 और इससे अंदर वाले का जो फासला है वो है 3, सेम फासला सब साइडों पे, इसके बिल्कुल दरमियान में उसने स्विमिंग पूल बनाना है या जो भी बनाना है, इसका एरिया फाइंड करें। तो इससे 324 से आप निकाल लेंगे एरिया, एक्स स्केयर दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, क्या आ जाएगी 18, एक्स इक्वल टू 18। अब 18 तो है ये टोटल, 3 इधर से गया, 3 इधर से गया, 6 अंदर वाले का कितना हो गया 12, तो 12 अंदर वाले का 144 हो जाएगा ना एरिया, समझ आ गई। तो इस तरह के भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि डेज का आपने ये जहन में रखना है, इसका एक सबसे मसला जो होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आपका जहन माइंड नहीं काम कर रहा होता है, जैसे अगर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगला डिजिट क्या आएगा, हाँ देखिए उसे सही इसको वो कर लिया, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे अगला आ जाएगा, समझ आ गई है। तो इस तरह हो सकता है डेज ऑफ द मंथ का भी पूछ ले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के पहले वाले डिजिट पूछ ले, जे 31 एफ 28 डी क्या होगा, अभी तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, वैसे है पेपर में तो सोचने वाली बात है थोड़ी सी, या जे एन जनवरी ही पूछ ले तो दिसंबर भी 31 होगा, मतलब जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है, दिसंबर भी 31 का होगा, इस तरह का भी आ सकता है, इम्पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ये, इसमें बुक में नहीं है क्वेश्चन इस तरह के, तो आपने इस तरह अपना माइंड में ये चीज़ें अप्लाई करनी है। एक क्वेश्चन था इसमें कि डे आफ्टर टुमारो इस तरह का कोई, देखें नज़र आता है आपको, द डे आफ्टर टुमारो इस तरह का था, चलो नहीं भी समझ आता मैं आखिरी मेथड आपको एक समझा दूं, बाकी मैंने मुझसे चीज़ें आपको बता दी हैं, कुछ और भी क्वेश्चन इसके कर लेंगे। गर्मी हो रही है इस तरह का क्वेश्चन जी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट ये पूछ रहे थे, ये वाला क्वेश्चन है बी के बाद एक छोड़ के अगला डी, बी सी डी, आगे डी के बाद ई और एफ छोड़ के जी, दो अल्फ़ाबेट छोड़ के, फिर जी के बाद 3 एच आई जे, 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला, के बाद 4 अल्फ़ाबेट एल एम एन ओ छोड़ के अगला, पी के बाद फिर 5 अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला वी आना था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका देख लें इस तरह का शेप वाला, थोड़े ज़्यादा फिगर्स इसमें दिए हुए हैं, इन फिगर से आपने परेशान नहीं होना, कितने हेक्सागोन दिए हुए हैं, 6 कोनों वाली दी हुई हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इनका सम भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, आपने आमतौर पर आपको पता इससे चलता है कि जिस फिगर के अंदर अननोन वैल्यू होती है, तो ये देखना है कि ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, तो वो वैल्यू समझ लें कैलकुलेट करने के बाद आती है जो अननोन होती है, तो इसी में से देखें कि 26 कैसे आया, कैसे आया 21 और 5, ये 21 और 5 26, 17 और 22 14 और 15 29, आगे इधर 16 और 7 आना है। चलो एक तरह का पैटर्न तो इन्होंने ढूंढा है, देखते हैं कि ये आता है कि नहीं, 23 आंसर है नीचे, अच्छा चलें देख लेते हैं इसका आंसर इस तरह आएगा कि इसके आप जमा कर लें, पहले बाहर वालों को जमा करें, ये आप लोग भी पॉज करके एक दफा इसको हल करें, फिर इसका आंसर देखना है। अच्छा बाहर वालों को अगर जमा करें कितना आता है, 81. बाहर वालों को 81, और अंदर वालों को अगर जमा करें
16 और 6 22 और 7 29 और 5 34 और 21 34 और 21 55 क्या आंसर आएगा 81 माइनस 55 26 ही आता है ना। अच्छा आगे भी कर लोगे अब। ये वाला पैटर्न था इसमें 16 और 17 33 33 और 36 69 और 29 28 97 माइनस 14 और 15 29 और 17 46 और 22 66 97 में से 66 निकालें कितना आएगा 46 और 97 में 68 निकालें 29 आता है ना। अब इनका देख लें 18 और 26 सर 108 है भाई दोनों का 44 इनका 108 आता है 108 कैलकुलेटर ना वो किया करो यूज 10 और 13 23 और 17 40 40 और 16 56 और 7 63 माइनस 63 कितना आ जाएगा 185 माइनस 63 45 इसका आंसर था। ठीक है ये इस तरह के क्वेश्चन थे। तो ये जितने हमने पैटर्न इसमें डिस्कस किए हैं अगर सारे पैटर्न को अच्छी तरह आप कर लें तो इंशाल्लाह आईक्यू का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको हल कर लेंगे, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं होता, कोई रूल नहीं होता जो आप याद करके जाएं। इसका आपने पैटर्न देख लिए हैं श्योर ना है। इसके पैटर्न आपने देख लिए हैं, बस आपने उधर क्या है सवाल को गौर से देखना है, क्योंकि इसका रूल उधर जो सवाल आएगा उसी के अंदर दिया होगा, वो आपने फाइंड क्या करना है, वो आपके जहन की लॉजिक है, आपका आईक्यू है जिससे आपने फाइंड करना है। तो अगर आप इसको देख लें और इसको डिस्कस कर लें।